बिना साक्ष बिना आधार बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किया जा रहा है क्योंकि सीबीआई उनकी एजेंसी है, उनके अधीन आती है। पिछले 8 वर्षों में ईडी ने 3000 छापेमारी की, लगभग 95% छापेमारी विपक्ष के नेताओं पर किए गए, यानी कि 3000 लोगों पर छापेमारी हुई, 0.5% लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ, बाकी आरोप झूठे थे। तो सीबीआई का ईडी का मिसयूज हो रहा है ये तो खुली आंखों से आप देख सकते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो जो बीजेपी में गया सारी जांच बंद हो गई। लेकिन उस 4 सीट में किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कहीं से भी साजिश करता है या उन्होंने कहीं कोई पैसे की लेन देन की है या कहीं उन्होंने कोई रिश्वत खाई है। मोदी जी की प्रताड़ना, उनकी कार्रवाई, उनका उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत किया, जिस व्यक्ति के शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया सराह रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। आज उस मनीष सिसोदिया को सीबीआई में मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, उनका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको जानबूझ के कहा जा रहा है कि सारे आरोप एक पन्ने पर लिख कर दे दे रहा हूं, इस पे साइन कर दो। ये किस प्रकार का शासन आप चलाना चाहते हैं? ये किस प्रकार से आप जांच करना चाहते हैं? ये क्या तरीका है आपका कि जबरन आप किसी से अपराध कबुलवाने के लिए, अपराध कबूल कराने के लिए उसका मानसिक उत्पीड़न करेंगे? और ये बात न्यायालय के सामने कल मनीष सिसोदिया जी के वकील ने और मनीष सिसोदिया जी ने न्यायालय को बताया। मैं समझता हूं निश्चित रूप से न्यायाधीश महोदय इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखिए, पहली 4 सीट सीबीआई दाखिल करती है, जब 4 सीट दाखिल होती है तो कई गवाहों के बयान लेती है, 4 सीट दाखिल करती है तो कई साक्ष्यों और तथ्यों को आधार बनाकर 4 सीट दाखिल करती है, लेकिन उस 4 सीट में किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कहीं से भी साजिश करता है या उन्होंने कहीं कोई पैसे की लेन देन की है या कहीं उन्होंने कोई रिश्वत खाई है। सप्लीमेंट्री 4 सीट आई सीबीआई की, उसमें भी कहीं किसी ने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया। तो ना पहली 4 सीट में सीबीआई की मनीष सिसोदिया, ना दूसरी 4 सीट में सीबीआई की मनीष सिसोदिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने हड़काया, डांटा, बिगड़ा, बोले हमारा मकसद ही फेल हो जाएगा, जिन लोगों पे कार्रवाई करना है उन पे कर ही नहीं रहे, बनाओ फर्जी मामले, बनाओ फर्जी मुकदमे, करो मानसिक उत्पीड़न, किसी भी तरीके से अपराध सिद्ध करो। और तब बिना साक्ष बिना आधार बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। कोई कहता है 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली, कोई कहता है 20,000 करोड़ की रिश्वत खा ली, कोई कहता है 1,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे तोते ने 14 घंटे छापेमारी की, सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं निकला। गांव में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। दफ्तर में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक किया,
वहां भी कुछ नहीं निकला। अरे बेईमानों, तुम्हारे लोगों पर बीजेपी के एमएलए के बेटे के यहां 6 करोड़ रुपए तो कैश रिश्वत बरामद हुई, कैमरे पर बरामद हुई। क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? कहां है तुम्हारी सीबीआई ईडी? कहां है तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जो भ्रष्टाचारी तुमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार पर कहते थे सिंचाई घोटाला है, येदुरप्पा पर माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह पर, नारायण राणे पर सीबीआई की जांच चल रही थी, जो बीजेपी में शामिल हो गया वो राजा हरिश्चंद हो गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से बिना सबूत, बिना साक्ष्य के एक लोकप्रिय नेता, एक लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम किया, उनको जबरन नरेंद्र मोदी जी अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और समय आने पर इस देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी। आपके कोई प्रश्न? भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और किसकी सह पे हो रहा है? आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, पहली चार सीट में नाम नहीं, दूसरी चार सीट में नाम नहीं, जिसके घर पे छापेमारी हो गई, गांव में छापेमारी हो गई, बैंक में छापेमारी हो गई, दफ्तर में छापेमारी हो गई, कुछ नहीं मिला, तो अब आप उसका मानसिक उत्पीड़न करके कह रहे हैं कि अपराधी बन जाओ, अपराधी बन जाओ? ये किसके कहने पे किया जा रहा है? बिना साक्ष्य, बिना आधार, बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई उनकी एजेंसी है, उनके अधीन आती है। पिछले 8 वर्षों में ईडी ने 3000 छापेमारी की, लगभग 95% छापेमारी विपक्ष के नेताओं पे किए गए, यानी कि 3000 लोगों पे छापेमारी हुई, 0.5% लोगों पे आरोप सिद्ध हुआ, बाकी आरोप झूठे थे। तो सीबीआई का, ईडी का मिसयूज हो रहा है, ये तो खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति पे सीबीआई की जांच चल रही होती है, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वाशिंग पाउडर निर्मा से उसको धुल के बाहर कर दिया जाता है, वो राजा हरिश्चंद हो जाता है। जो जो बीजेपी में गया, सारी जांच बंद हो गई।